हेलो फ्रेंड्स, मैं किशोर और आपका स्वागत है हमारे पुलिस फोर्स एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार फायरमैन के फिजिकल पर। बिहार फायरमैन के फिजिकल में वोल्ट हाई जंप या टाइगर जंप करने दिया जाएगा या नहीं? देखिए, जब भी कांस्टेबल लेवल का जो फिजिकल होता है, ये पास आता है ना फिजिकल, तो इस तरह के माइंड में सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन आने लगते हैं कि मैं भाई 5 फीट हाई जंप कर ले रहा हूँ, टाइगर जंप, क्या पता वहाँ करने नहीं दिया जाए, पहले की तरह हो जाए। से पहले टाइगर जंप पे रोक लगा था एक बार, है ना, तो माइंड में सभी के ये क्वेश्चन आता रहता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हाई जंप ऐसा चीज़ है, अगर वैन होता है तो सिर्फ आपको ही प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी कैंडिडेट को होगा जो फिजिकल देने आ रहे हैं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगा। और ये बोल्ट हाई जंप या टाइगर जंप पर जो रोक लगा है, ये सबसे पहले लगा था बिहार SI यानी बिहार दरोगा में, सबसे पहले ये बैन किया गया था। क्यों किया गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए रोक लगाया गया था क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे थे फिजिकल। आप सभी को पता है बिहार दरोगा का फिजिकल रिटर्न एग्ज़ाम पे बनता है, और जो हाई जंप है बिहार दरोगा में, वो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। बिहार दरोगा में भी सब कुछ होता है, गोला फेंकना भी होता है और हाई जंप भी करना होता है, रनिंग भी होता है, लेकिन बस क्वालिफाई करना होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे थे, इसलिए बिहार दरोगा के लिए जो फिजिकल था उसमें बोल्ट हाई जंप या टाइगर जंप, उस पर रोक लगा दिया गया था, बैन कर दिया गया था, ताकि कम से कम कैंडिडेट पास हो, है ना, कम से कम कैंडिडेट को हम सेलेक्ट करें, है ना, इसलिए वहाँ रोक लगाया गया था। और अब बात कर लेते हैं बिहार फायरमैन के फिजिकल पे। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार फायरमैन का फिजिकल जो होता है, उसके आधार पर मेरिट लगाया जाता है, मेरिट बनाया जाता है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि बिहार फायरमैन के फिजिकल में टाइगर जंप पे रोक लगाया जाए या फिर बोल्ट हाई जंप पे रोक लगाया जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, हंगामा भी होगा। तो टाइगर जंप पर रोक नहीं लग सकता, अगर इत्तेफाक से बाय चांस लगता भी है तो सभी के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। जो, और आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जो टाइगर जंप या बोल्ट जंप जो कर रहे हैं 8 फिट, वो कभी भी हाई जंप पे छट ही नहीं सकता, कभी भी हाई जंप में डिस्क्वालीफाई हो ही नहीं सकता वो कैंडिडेट, ठीक है ना। उसके लिए बिल्कुल कुछ नहीं है 4 फिट उड़ाना, है ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला हाई जंप में। और पहली बात तो ये कभी हट ही नहीं सकता, कभी बैन हो ही नहीं सकता टाइगर जंप या आपका बोल्ट हाई जंप, हमेशा से चला आ रहा है। कॉन्स्टेबल लेवल में देखिए 8415 पोस्ट में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था कि बोल्ट जंप नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, है ना, गद्दे पे ही हुआ था हाई जंप और टाइगर जंप भी हुआ था, है ना, जिसका मन जो था। अगर आप सीजर मारने के लिए इच्छुक हैं तो आप सीजर मारें, अगर आप टाइगर जंप मारना चाहते हैं तो टाइगर जंप मारें, है ना, यदि आप ओलंपिक मारना चाहते हैं तो आप ओलंपिक हाई जंप भी मार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। जो हाई जंप आपको आता है वो आप बिल्कुल करें, है ना, उन्हें बस नंबर से मतलब है, आप जितना ज़्यादा नंबर लाएंगे आपके लिए उतना बेस्ट है, है ना। तो जिनके माइंड में ये, देखिए ये वीडियो बनाने का बस एक मकसद है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि बैन हो जाएगा, है ना, ये उनके माइंड को जो स्ट्रेस में है ना, उन्हें फ्री करने के लिए, ठीक है ना, उन्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप 4-8 कर रहे हैं या 4-4 कर रहे हैं या 5 फिट कर रहे हैं तो आप बेहिचक रहें, आप टेंशन ना लें, स्ट्रेस में बिल्कुल ना रहें, आपको बिल्कुल हाई जंप वहाँ करने दिया जाएगा, है ना, जितना नंबर उठा सकते हो आपके लिए उतना बेस्ट है, आप जैसे चाहो वैसे हाई जंप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और भी बिहार पुलिस में नई भर्ती आने वाली है, मोबाइल स्क्वाड, बिहार फायरमैन, है ना, और आपका मद्य निषेध का 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है। जितनी भी भर्तियां हैं, जो भी अपडेट होगा सभी के साथ शेयर किया जाएगा, है ना। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।